हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। एसएससी एस्पिरेंट्स को लेके बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन किया गया था। और भी कई सारी चीज़ें हैं, क्या हुआ है नॉर्मलाइजेशन, आपकी जितने भी मल्टीपल शिफ्ट्स में होते थे उन सबके लिए अब नॉर्मलाइजेशन होगा, जानेंगे इस वीडियो में पूरी न्यूज़ क्या है, पूरी खबर। बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस रेड बटन को दबाकर, और साथ ही साथ हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो के लिए, ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे को निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आपको बताते हैं क्या है आखिर में ये कहाँ से नोटिफिकेशन आया। एक्चुअली मैं बता दूँ, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है कल। मैं अभी इसका थोड़ी देर में इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट है, कब ऑनलाइन फॉर्म आएगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। उसी के बीच में एक जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी क्या क्या उसमें आता है, रीजनिंग आती है, जीए आता है, इंग्लिश आता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी है साथ में, इसमें वो इंपॉर्टेंट नोटिस बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। देख लेते हैं क्या है। मार्क्स डीन पॉइंट नंबर डी को मैं रीड कर रहा हूँ। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट। मतलब क्या है, मल्टीपल शिफ्ट में, यानी कि इसका जो एग्जाम डेट है 1 फरवरी 2019 से 6 फरवरी 2019 के बीच में मल्टीपल शिफ्ट्स में इनके एग्जाम्स होंगे। अब एग्जाम जब मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो अब जो पहले बनता था काफ़ी डिस्क्रिपेंसी होती थी कि किसी का पेपर इजी आता था, किसी का पेपर हार्ड आता था, उसके चलते उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आती थी। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कभी कभी उनका प्री भी क्वालिफाई नहीं होते थे, और जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्री में भी 170-180 मार्क्स तक लेके आ जाते थे, रीजन होता था पेपर का लेवल। अब उन्होंने वही किया है जो फरवरी मार्च में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, इसमें एक पॉइंट उसमें यह भी था कि आपका जो स्कोर होगा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, एसएससी ने वही फाइनली लागू कर दिया है। इसमें देखेंगे आप, लिखा हुआ है क्लियर कि मार्क्स ऑप्शन, यानी जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही फाइनल आपका स्कोर माना जाएगा आपकी जब मल्टीपल शिफ्ट होंगी। तो यही इस वीडियो में बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइए कि अब जो भी एग्जाम्स होंगे मल्टीपल शिफ्ट्स में एसएससी के, उसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल मस्ट होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।